गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था आपको राइट्स क्या है, कि हमारे क्या अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराया है, तो उन अधिकारों को हमने कर दिया एंजॉय किया, तो उसी अधिकार को बनाए रखने के लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी दिए, हमें क्या करना चाहिए, उनके पालन करने चाहिए। चीजें देखते हैं कि वो हमारे कौन कौन से कर्तव्य, कौन कौन से ड्यूटी करना चाहिए। तो फर्स्ट है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एज वेल एज नेशनल फ्लैग। हमें क्या करना चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग आपको पता है, नेशनल एंथम जनगणना, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या आप उसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के लिए करना चाहिए, नहीं। और देखो हमारा अगर नेशनल फ्लैग क्या हो रहा है, अगर कहीं गिरा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के निकल जाए, अगर कहीं गिरा है या कहीं पड़ा हुआ है, तो प्रॉपर सही तरीके से, जैसे कि हम अपने ग्रंथों की, जैसे कि हम अपने कहीं भगवान को गिरे हुए तो उसको पैर नहीं लगा सकते हैं, वैसे ही हमारे फ्लैग के साथ भी है। हम उसकी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको प्रॉपर टेक केयर करना चाहिए। अगर कहीं गिरा हुआ है उठाकर अलग जगह पर रख दे। सेकेंड क्या है कि फ्लैग्स तो बता ही दिया, और क्या था, जनगणमन एंथम की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एज नेशनल सॉन्ग है, एम्बलम है, उन सब की हमें क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड वी मस्ट वर्क टू अवेयरनेस ऑफ अवर गेम एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। हमारी प्रभुता को बनाए रखने के लिए, हमारी एकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और होना चाहिए उसकी टेक केयर हमें खुद करनी है, कि हमारी एकता अखंडता हमेशा बनी रहे। थर्ड वी मस्ट प्रमोट पीस एंड हार्मनी। आपस में व्यवहार सही होना चाहिए, पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, समरसता सबके साथ बनी रहे, इस चीज़ को भी हमें क्या करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए। नेक्स्ट वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो हमारा फ्रेंड है भाई, एनवायरनमेंट का अगर टेक केयर हम नहीं करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें ही नुकसान देगा, तो एनवायरनमेंट का तो टेक केयर करना ही है। सेकेंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस वी मस्ट लुक आफ्टर पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट का नहीं है, वो गवर्नमेंट का नहीं मतलब हमारा है, पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी है, अगर आप उसको नुकसान पहुँचाते हैं तो हमें से ही वो वसूला जाता है। जैसे कि अगर कोई क्राइम होता है, कहीं पर कुछ तो अफोर्ड किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि सरकार को देती, वो सरकार ही देती है, वो हमसे वसूलती है टैक्स के थ्रू, अगर कर लगा कर टैक्सेस लगा के वो हमसे GST लगा के वो हम ही से पैसा लेती है और फिर हमें देती है। तो हमें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को पब्लिक नहीं, अपना प्रॉपर्टी समझ कर उसकी टेक केयर करें, उसको नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि किसी भी तरीके से पब्लिक अपने पास से ही रहती है, गवर्नमेंट अपने हाथ से अपने बैग से तो नहीं लगाता, वो हम ही से लेकर लगाता है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ड्यूटीज़ थे जो हमें क्या करनी चाहिए, इसकी पालन करनी चाहिए, ड्यूटीज अपनी निभानी चाहिए। ओके।